नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। गाजियाबाद में बीजेपी नेता सैम कोहली को पद से हटाया। रेस्टोरेंट में बाहर खुलवाकर रशियन लड़कियों से करवाता था डांस। बरेली में किसान की गोली मारकर हत्या। गन्ना डालने जाते समय साइड से बाइक निकालने पर हुआ था विवाद। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेंदुए का कार पर अटैक। गाड़ी से टकरा, हवा में उछला, रेलिंग पर गिरते ही मौत। रेलवे स्टेशन पर सब इंस्पेक्टर पर बंदरों का हमला। बचने को सब इंस्पेक्टर ने लगाई दौड़। पद्मावत एक्सप्रेस में पीटने वाला आसिम हुसैन गिरफ्तार। लड़की बोली बेटा कहकर पास बैठाया, फिर करने लगा अश्लील हरकतें। झांसी में मां ने 2 महीने की बेटी को मार डाला। पहले कहा बिल्ली उठा ले गई, पकड़े जाने पर बोली बेटी नहीं चाहती थी। माघ मेले में धर्म परिवर्तन की साजिश। हिंदू मुस्लिम धर्म से जुड़ी 204 पुस्तकों के साथ 3 अरेस्ट। अबू धाबी से है कनेक्शन। आगरा से 3 जालसाज गिरफ्तार। 2 लाख रुपए में एसएससी में पास कराने वाले का ठेका लेते थे। सॉल्वर यूपी पुलिस में हो चुका है सेलेक्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज में लगी आग। दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे थे, ड्राइवर ने धुआं उठता देख कार सवारों को बचाया। कानपुर में ठंड से 19 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी के 15 जिलों में रेड अलर्ट। 22 जनवरी से होगी बारिश। रायबरेली में आरोपी ने फंदा लगाकर दी जान। 376 के मुकदमे में वारंट कटने पर की आत्महत्या। साड़ी से लटका मिला शव। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। मेरठ में युवती से गैंगरेप की कोशिश। आरोपी की फ्रेंड ने बनाया वीडियो। अब फर्जी मैरिज ब्यूरो में नौकरी करने का बना रहे हैं दबाव। फतेहपुर में 14 साल की लड़की से रेप। पड़ोसी युवक ने की दरिंदगी, पुलिस में शिकायत करने पर आकर धमकाया। कन्नौज में मंत्री असीम वरुण के नाम पर ठगी। जमीन विवाद निपटाने के लिए ऐठे गए 1.5 लाख रुपए। एसपी ने की कार्यवाही। फिरोजाबाद में कोचिंग से आ रही छात्राओं से छेड़छाड़। परिजनों ने 2 युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मुजफ्फरनगर में एनएचएम एंट्रेंस एग्जाम से हो चुके अभ्यर्थी समय से पहले पहुंचने के बावजूद सेंटर में नहीं मिला प्रवेश। सिद्धार्थनगर में प्रधान संगठन का प्रदर्शन जारी। प्रधान संघ सैकड़ों ग्रामीणों ने की नारेबाजी। मऊ में शिक्षक के साथ जमकर मारपीट। बाइक सवार बदमाशों ने पीटा। कोचिंग से घर जाते समय हुई वारदात। चंदौली के नरेना में ठप पड़ी पोस्टाहार निर्माण इकाई। बेरोजगार हुई समूह की महिलाएं। 2 ब्लॉकों के 462 केंद्रों पर वितरण प्रभावित हुआ।
अयोध्या में दो पक्षों में मारपीट और तलवारबाजी, विवाद में दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर सर्राफा कारोबारी से की थी लूटपाट। बहराइच में 26 जनवरी पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम, बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने पहुंचे एसपी। जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुलाई 2016 का है पूरा मामला। सीतापुर में दो ट्रैक्टर ट्रालियों की टक्कर, एक चालक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। खाई में पलटी गन्ना लदी ट्रालियां। देवरिया में पुरानी जमीनी रंजिश में चली गोली, एक घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फरुखाबाद में डीएम संजय कुमार सिंह के आदेश भी हुए बेअसर, अलाव की लकड़ी में भी जमकर खेल रही है नगर पालिका परिषद। हमीरपुर में एसपी ने 4 इंस्पेक्टर, 8 दारोगाओं का किया स्थानांतरण। शिव प्रकाश यादव प्रभारी चुनाव सेल को बनाया गया सिसोलर थाना इंचार्ज। कानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, लाठी डंडों से पीटते हुए दबंगों का वीडियो वायरल। कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में एसडीएम की गाड़ी में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर, हादसे में 3 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में लगातार पारा गिरने से पड़ रहा है पाला और ओस, पाले व ओस से आलू और सरसों की फसल को भारी क्षति। फरुखाबाद में मेला व्यवस्थापक, शौचालय के निर्माण का दावा फेल, दिव्यांग कल्पवासियों को ही नसीब नहीं हुए शौचालय। बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, बोले आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली से लाकर गाजियाबाद में छोड़ रहे आवारा कुत्ते। हरदोई में भाजपा नेता पर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। कानपुर में कलयुगी बेटे ने पिता को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी बेटा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हुआ फरार। एलडीए ने अमौसी एयरपोर्ट की पार्किंग व आसपास के क्षेत्र से हटाए अवैध अतिक्रमण, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके समस्याओं का कराया निस्तारण। कासगंज में कैरम टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, कैरम टूर्नामेंट में मोहल्ला खैरू की टीम बड़ी विजेता। लखनऊ में एक बार फिर से अपार्टमेंट में फंसे लिफ्ट, खटारा लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसे रहे बच्चे। वृंदावन कॉरिडोर के विरोध में आंदोलन को गिरिराज जी के समायतों ने दिया समर्थन, आंदोलन को सहयोग का किया आवाहन। लखनऊ में स्कूटी पर सवार होकर रोमांस करते हुए युवक और युवती का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया कपल को गिरफ्तार।
धर्मनगरी प्रयागराज में महासंगम, महासंगम में श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा, आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है प्रसाद। मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान, बोले नए भारत का नया उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। रायबरेली में दुकान के चैन लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, दो गुटों में जमकर चली ईंट पत्थर व लाठी डंडे, पुलिस बन रही है तमाशबीन। सपा विधायक इकबाल महमूद का सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क पर जुबानी हमला, बोले राजनीति से संन्यास ले शफीक उर रहमान बर्क। रायबरेली में दबंगों ने आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले मैनेजर व कर्मचारी से मारपीट कर लूट की है, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरैया में सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ संपन्न, योजना में लगभग दाम्पत्य जीवन की डोर में बंधे 183 जोड़े। हमीरपुर में आर्यव्रत बैंक में एक सप्ताह में दूसरी बार चोरी, चोरों ने इरादे से तोड़े बैंक के ताले। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मैराथन बैठक संपन्न, स्कूली छात्र व छात्राओं से लेकर हर वर्ग के लोग करेंगे शिरकत। हमीरपुर में स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में दो स्कूली बच्चे हुए घायल। लखनऊ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में तेंदुए की मौत, खेत की ओर से छलांग लगाकर कार पर अटैक की कोशिश में तेंदुए की हुई मौत। G20 को लेकर डीएम लखनऊ की प्रेस वार्ता, G20 में प्रदेश की संस्कृति विकास कार्य के दुनिया के सामने रखना बड़ा प्रयास। प्रतापगढ़ में ट्रक से टकराई बाइक, टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राष्ट्रीय लोकदल ने की अध्यक्ष और महासचिव की घोषणा, प्रदेश अध्यक्ष आशीष राय ने जारी की सूची। प्रयागराज हाईकोर्ट के विशेष अदालत के फैसले से अतीक अहमद की बड़ी मुसीबत, दो माह में फैसला सुनाने का दिया निर्देश। लखनऊ में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, कुल 31 केंद्रों पर हो रहा टीकाकरण, कोविशील्ड की मिली 42,700 की डोज। संभल में ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान पर रिपोर्ट दर्ज, शासकीय धनराशि के दुरुपयोग करने का लगा है आरोप। बुलंदशहर में टोल टैक्स को लेकर टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बताकर युवक ने जमकर किया हंगामा। बिजनौर में प्रेमी युवक को दबंगों ने दबोचा, दबंगों ने प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई की है, दबंगों पर पुलिस ने दी दबिश। देवरिया में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीट कर की हत्या, परिजनों का आरोप कि पुलिस ने शव को नहीं सौंपे, पुलिस ने ही कर दिया अंतिम संस्कार। श्रावस्ती में साइबर ठगों पर एसपी प्राची सिंह का चला चाबुक, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ, वर्चुअली उद्घाटन के दौरान देखा खो खो, सीएम योगी रहे मौजूद।
मंदिर की दीवार गिरने से मजदूर की दबकर मौत। अयोध्या में राम जानकी मंदिर के बाहर हुआ हादसा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर ड्रोन कैमरे के साथ हिरासत में युवक, भारी मात्रा में ऐसे रिज बरामद। आगरा में सीटेट परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का हंगामा, सर्वर डाउन होने से नहीं हुआ एग्जाम, कुछ छात्रों को नकल कराने का आरोप। सिद्धार्थनगर में प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ, वीडियो बोली महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही आगे, आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। झांसी के स्कूल में कर्मचारी ने लगाई फांसी, कानपुर देहात का रहने वाला था, कमरे में सुसाइड नोट भी मिला। शाहजहांपुर में युवक के हाथ पैर काटकर सड़क पर फेंका, मरने से पहले पत्नी व सास पर लगाया आरोप। उन्नाव में 5 घरों में बिजली चोरी पकड़े, बिजली निगम की टीम ने ग्रामीण क्षेत्र में चलाया अभियान, घरों में चेक किए गए मीटर। रायबरेली में आयोजन किया गया इन्वेस्टर समिट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। चंदौली में यूरिनल बाथरूम निर्माण को लेकर परिषद विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने किया प्रदर्शन, अध्यापकों ने रोका निर्माण कार्य। कानपुर देहात में ट्रक में लगी आग, चालक की मौत, लोग बोले ट्रक में ही आग जलाकर हाथ सेक रहा था। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, गलत भूमि पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने का किया विरोध, डीएम को ज्ञापन सौंपकर देकर कार्यवाही की मांग की है। कासगंज के अब्दुल हफीज गांधी को बनाया गया राष्ट्रीय प्रवक्ता, चौथी बार राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।